हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक्स। जैसे आपको पता है, डायूरेटिक्स क्या होते हैं? जो यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जो मेन तुम्हारा वॉल्यूम होता है एक्स्ट्रावास्कुलर, वो तुम्हारा दो चीज़ पर डिपेंड करता है, सोडियम और क्लोराइड पे। तो तुम सोडियम का अमाउंट यदि बॉडी में ज़्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन उसके साथ ज़्यादा होगा और तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और सोडियम कम होगा तो तुम्हारा वाटर उसके साथ ज़्यादा एक्सक्रीट होगा और तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो मेल डायूरेटिक्स नेट्रियूरेटिक की तरह काम करते हैं। सोडियम का एक्सक्रीशन रीअब्सॉर्प्शन कैसे कैसे होता है नेफ्रोन के अंदर, वो पता होना चाहिए आपको। उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा उसका उस पर ड्रग एक्ट करती हैं और वो तुम्हारा एक्सक्रीट होता है। ये तुम्हें पता है, ये तुम्हारा वोमन कैप्सूल है, ये PCT है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारा थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है वो होता है PCT के अंदर सोडियम का, 62-65%। जो तुम्हारा थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वहाँ पर होता है मीडियम, 20-25%। ये तुम्हारा ये यहाँ पर होता है 5-8%। DCT में होता है 8-10%। और जो कलेक्टिंग डक्ट है या तुम्हारा लास्ट पार्ट होता है, ये वहाँ पर होता है 3-4%। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा तुम्हारा रीअब्सॉर्प्शन होता है वहाँ पर यदि ड्रग्स एक्ट करती है तो उतना ही इफेक्टिवली काम करेगी। तो इसी के बेसिक पे हमने डायूरेटिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हाई डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं उसको, एक मीडियम डायूरेटिक्स और एक तुम्हारा लो डायूरेटिक्स। हाई में हाई कौन सा होगा? हाई होना चाहिए वैसे आपका PCT वाला, जिसमें रिजॉल्यूशन होता है 60-65%। इसमें से मोस्ट ऑफ द रिअब्सॉर्प्शन होता है तुम्हारा सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्टर की तरह, पर इस पर जो कोई ड्रग अभी तक पता ही नहीं चला है, डिस्कवर नहीं हुई है जो इस पर एक्ट करती है। तो मैक्सिमम होता है तुम्हारा जो थिक पार्ट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वहाँ पर 20-25%। यहाँ पर जो ड्रग एक्ट करती हैं, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम पोटासियम और 2 कैल्शियम ट्रांसपोर्टर। सोडियम तुम्हारा सेल के अंदर बाहर जाता है ब्लड के अंदर, पोटासियम जाता है और 2 कैल्शियम जाते हैं, क्लोराइड जाते हैं। यदि इस ट्रांसपोर्टर पर तुम्हारा ड्रग एक इनविट करती है तो तुम्हारा सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा और यहाँ पर 20-25% होता है। तो तुम्हारा हाईली डायूरेटिक्स, हाई पावर डायूरेटिक्स होती हैं जो इंस्पेक्ट करती हैं। तो कौन क्या नाम है उनका? लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में तीन इंजन एग्जाम्पल, फ्यूरोसेमाइड, विपेडमाइड और टोरोसेमाइड, ठीक है? ये तुम्हारा हाई डायरेटिक्स में आता है। कौन किस पे एक्ट करता है? सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। कहाँ पर मिलता है ये? थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप पहनले। उसके बाद आता है तुम्हारा मीडियम, मीडियम उसके बाद तुम्हारा DCT के अंदर होता है 8-10%, 8-10% होता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ड्रग्स इसको ब्लो करेंगे चैनल को और सोडियम के रिजॉल्यूशन को ब्लो करती हैं, वो आती है मीडियम में। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम क्लोराइड सिंपोर्टर। ये इसको कौन ब्लो करता है? थायजाइड और थायजाइड लाइक ड्रग, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। 8-10% है तो मीडियम कैटेगरी में आता है ये। और दोस्तों, एक मेन इम्पोर्टेंट बात, जो तुम्हारा ये DCT का इधर वाले है, इधर जो पार्ट है, इस पे जो तुम्हारा ड्रग्स एक्ट करती हैं वो तुम्हारा पोटासियम को वेस्ट करवाती हैं, मतलब एक्सक्रीट करवाती हैं। तो उस पोटासियम वेस्टर ड्रग होती है, और इस पॉइंट से इधर यदि हम करते हैं उसे कहेंगे पोटासियम स्पेयर, स्पेयर मतलब बचाना। तो इसको पोटासियम को रीअब्जॉर्ब करवाती है, ठीक है? इसके बाद वाली, उसके बाद आता है तुम्हारा लो एक्टिंग।
लो एक्टिंग कौन सी हो सकती है? एक पीसीटी के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं, सोडियम प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर, काउंटर ट्रांसपोर्टर, और भी होते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर एक तुम्हारा मोस्ट ऑफ द सोडियम को रिअब्सॉर्ब करवाता है, ये तुम्हारा लेस करवाता है। और इसके अंदर एच प्लस बाहर आता है, एच कार्बोनेट के साथ एच टू सी ओ थ्री बनाता है। कार्बन के एनहाइड्रेज इसको ब्रेक डाउन करके एच टू और सी ओ टू में फिर से सी ओ टू अंदर चला जाता है और फिर से ये मैकेनिज्म होता है। यदि हम इस कार्बन के एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर दें इनहिबिटर, तो क्या होगा? तुम्हारा ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा और सोडियम रिअब्सॉर्ब नहीं होगा और तुम्हारा एक्सक्रीट वाटर के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसका इनहिबिटर एग्जांपल क्या है? एसीटाजोलामाइड, ठीक है। ये वी कैटेगरी आता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर एक बहुत कम एक्सटेंट में सोडियम का रिअब्सॉर्ब करवाता है, इसलिए वीक में आता है ये। वरना पीसीटी तो हाई 65% होता है, इसका रीज़न ये है। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो पार्ट है, वहाँ पर लास्ट पार्ट में करेक्टिंग डक्ट में ये बात है कि दो पार्ट होते हैं, जो भी एपिथेलियल सेल हैं, एक तो ल्यूमिनल सेल ल्यूमिनल पार्ट होता है, एक तुम्हारा बेसोलेटरल पार्ट होता है। जितनी भी तुम्हारे नेफ्रोन की वो हैं बेसोलेटरल पार्ट, उसमें सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप होता है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये तुम्हारा क्या करता है, सोडियम तीन सोडियम बाहर और टू पोटासियम अंदर, जिससे सोडियम अंदर कम हो जाता है, जिससे सोडियम उसके सेल रिअब्सॉर्ब करता है। कलेक्टिंग डक्ट में थ्री टू फोर परसेंट तो आपका सोडियम रिअब्सॉर्ब होता है। 3-4% में कैसे होता है कि चैनल सोडियम चैनल होता है, पोटासियम चैनल होता है, सोडियम रिअब्सॉर्ब होगा और पोटासियम तो एक्सक्रीट होता है इन चैनलों से। एक ड्रग होती है ट्राइमटेरेन और एमाइलोराइड, ये क्या करता है, ये सोडियम चैनल है ना, रीनल सोडियम चैनल, इनको इनहिबिट कर देता है। ये तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ 3-4% होता है, तो वी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और एक तुम्हारा एल्डोस्टेरोन बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन एजेंट सेकंड और हाई लेवल ऑफ पोटासियम इसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे तुम्हारा अंदर आता है, वो तुम्हारा क्या करता है, इन जिसके चैनल के नंबर बढ़ाता है और ये सोडियम के एटीपेज है इसका भी नंबर इंक्रीज करता है, जिससे तुम्हारा सोडियम का ज़्यादा रिअब्सॉर्ब होता है और पोटासियम का ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है। इसको एंटागोनिस्ट देंगे हम स्पाइरोनोलैक्टोन और एप्लेरेनोन। ये क्या होता है, वी कैटेगरी आता है क्योंकि ये तुम्हारा एक लो एक्सटेंट में सोडियम का रिजॉर्ब करता है, ठीक है। अभी तक तीन कैटेगरी हो चुकी हैं, नंबर वन तुम्हारा कार्बन एनहाइड्रेज इनहिबिटर, नंबर टू तुम्हारा रीनल एपिथेलियम सोडियम चैनल इनहिबिटर, नंबर थर्ड तुम्हारा एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, फोर्थ आता है ऑस्मोटिक डायुरेटिक। ये क्या करते हैं, मैनिटोल और आइसोसोरबाइड, ये तुम्हारा एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम उसको बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे तो तुम्हारा बाहर एक ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन होगा, डाइल्यूट होगा तो तुम्हारा पता है कि वाटर जो होता है जब डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड के थ्रू होता है, यहाँ भी डाइल्यूट तो रिअब्सॉर्ब वाटर और तुम्हारा कम होगा, जिससे वाटर तुम्हारी एक्सक्रीट आराम से हो जाता है। इस तरह ऑस्मोटिक डायुरेटिक काम करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यही है था कि तीन टाइप डायुरेटिक होते हैं, लो हाई मीडियम। हाई तुम्हारा इसको इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं, तुम्हारा मीडियम तुम्हारा सोडियम क्लोराइड सपोर्टर को ब्लॉक करते हैं, और लो तुम्हारा कार्बन एनहाइड्रेज सोडियम चैनल एल्डोस्टेरोन और तुम्हारा ऑस्मोटिक डायुरेटिक में आते हैं। इनके एग्जांपल और कहाँ कहाँ से सोडियम रिअब्सॉर्ब होता है, इतना ही था दोस्तों। थैंक यू, बाय।